अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यूज के चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ और इस वीडियो में आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 इस्लामियात के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला हूँ और ये तमाम एमसीक्यूज पास्ट पेपर से लिए गए हैं, तो वीडियो को गौर से देखें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बरवक्त पहुँचती रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, हाउ मेनी सूरत ऑफ कुरान आर द नेम ऑफ एनिमल्स। कुरान पाक की कितनी सूरतें हैं जो जानवरों के नाम पे मंसूब हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 6। नेक्स्ट, रियल नेम ऑफ हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अबू बकर सदीक का असल नाम क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर है अब्दुल्ला। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मैट्राइड इन, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत कब हुई, तो इसका करेक्ट आंसर है 21 रमजान 40 हिजरी को। नेक्स्ट है, अबू जहल किल्ड इन द बैटल ऑफ, अबू जहल किस जंग में मारा गया था, जिसका करेक्ट आंसर है गज़वे बदर में। नेक्स्ट है, द टीथ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर मेट्राइड इन द बैटल ऑफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक किस गज़वा में शहीद हुए थे, जिसका करेक्ट आंसर है गज़वे उहद में। नेक्स्ट है, हजरत हलीमा द फॉस्टर मदर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बिलोंग टू ट्राइब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रजाई वालिदा थी हजरत हलीमा का ताल्लुक किस कबीले से था, जिसका करेक्ट आंसर है बनू सास से। नेक्स्ट, विच प्रॉफिट नेशन वाज डिस्ट्रॉयड बाय द रेन ऑफ क्ले स्टोन, किस पैगंबर की कौम जो है वो मट्टी के पत्थरों की बारिश की वजह से तबाह हुई थी, जिसका करेक्ट आंसर है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की। नेक्स्ट है, सिक्स कलमा का क्या नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है रदी कुफर। नेक्स्ट है, विच प्रॉफिट इज नोन एज द शेखुल अंबिया, शेखुल अंबिया किस नबी का लकब है या पुकारा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत नूह अलैहिस्सलाम को। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड उमर सानी, उमर सानी किन को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को। नेक्स्ट है, अरूसुल कुरान इज अनदर नेम ऑफ, अरूसुल कुरान जो है ये दूसरा नाम किसका है, जिसका करेक्ट आंसर है सूरह रहमान का। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एशियन टू ट्रांसलेट द होली कुरान इनटू इंग्लिश, फर्स्ट एशियन कौन है जिन्होंने कुरान पाक का तर्जमा इंग्लिश में किया है, जिसका करेक्ट आंसर है मिर्जा अबू फजल ने। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु डेथ, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की वफात किस वजह से हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है रेबल्स की वजह से, बागी की वजह से। नेक्स्ट है, ज़कात वाज कम्प्लीटली इन्फोर्स्ड इन, ज़कात को मुकम्मल तौर पर नाफिज कब किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है 9 हिजरी को। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड कुल हैज बीन रिपीटेड इन होली कुरान, कुरान पाक में लफ्ज कुल है कितनी मरतबा रिपीट हुआ है, जिसका करेक्ट आंसर है मोर देन 200 टाइम्स। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु इज लायबल टू पे ज़कात इज नोन एज, वो शख्स जो ज़कात अदा करने का जिम्मेदार है उसे क्या कहा जाता है, जिसका करेक्ट आंसर है साहिब निसाब। नेक्स्ट, हु वाज द कमांडर ऑफ द इनफिडल्स इन द बैटल ऑफ ओहद, जंगे ओहद में कुफार का कमांडर कौन था, जिसका करेक्ट आंसर है अबू सुफियान। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द वर्ड जिहाद मीन, जिहाद का क्या मतलब है, तो इसका करेक्ट आंसर है टू स्ट्राइव। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द नेम ऑफ कवर ऑफ काबा इज, जो गुलाफ काबा का क्या नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है किसवा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म हजतुल विदा द लास्ट पिलग्रिमेज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हजरतुल विदा कब अदा किया या दिया था, तो उसका करेक्ट आंसर है 632 एडी में। नेक्स्ट है, इन विच हिजरी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म हज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस हिजरी में हज अदा किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है 10th हिजरी को। नेक्स्ट है, द फेमस मोती मस्जिद बिल्ड इन 1635 इज लोकेटेड इन, मोती मस्जिद जो 1635 में तामीर हुई थी ये कहाँ पे वाकिया है, जिसका करेक्ट आंसर है लाहौर में। नेक्स्ट है, सूरह अल कौसर इज द शॉर्टेस्ट सूरह ऑफ होली कुरान,
जो सूरह कौसर है वो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। द नंबर ऑफ इट वर्सेस इट, और इसकी आयात की तादाद कितनी है? जिसका करेक्ट आंसर है 3, यानी कि 3 है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हजरत खालिद बिन वलीद एक्सेप्टेड इस्लाम ऑन, हजरत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कब कबूल किया? तो इसका करेक्ट आंसर है 8 हिजरी को। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग हज अरफात गैदरिंग ऑकर इन, हज के दौरान जो अरफात का इज्तमा इकट्ठा होता है तो वो कब होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 9 जिलहज को। नेक्स्ट है, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हजरत बकर सिद्दीक टुक रिफ्यूज ड्यूरिंग द हिजरा इन द केव, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हिजरत के दौरान किस गार में पना ली थी? जिसका करेक्ट आंसर है गारे सोर में। नेक्स्ट टाइम स्किल्स है, हाउ मेनी डेज हजरत यूनस अलैहिस्सलाम रिमेन इन द अबडम ऑफ फिश, हजरत यूनस अलैहिस्सलाम कितने दिन मछली के पेट में रहे थे? जिसका करेक्ट आंसर है 40 डेज। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ बोट ऑफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का क्या नाम था? जिसका करेक्ट आंसर है अर्क। नेक्स्ट टाइम स्किल्स है, व्हाट वाज द एज ऑफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम व्हेन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वाज बॉर्न, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? जिसका करेक्ट आंसर है 86 ईयर्स, यानी कि 86 ईयर्स। नेक्स्ट है, सफीउल्लाह इज द टाइटल ऑफ, सफीउल्लाह जो है वो किन का लकब है? जिसका करेक्ट आंसर है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। नेक्स्ट टाइम स्किल्स है, नेम ऑफ प्रॉफिट हु इंट्रोड्यूस द साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी, जो फल्कियात की साइंस मुतारिफ कराने वाले पैगंबर का क्या नाम है? जिसका करेक्ट आंसर है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट टाइम स्किल्स है, व्हाट वाज द नेम ऑफ हजरत हलीमा ट्राइब, हजरत हलीमा का कबीले का क्या नाम था? जिसका करेक्ट आंसर है बनू साद। नेक्स्ट टाइम स्किल्स है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमन मार्टर्ड इन इस्लाम, इस्लाम में पहली खातून शहीद कौन थी? जिसका करेक्ट आंसर है हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा। नेक्स्ट टाइम स्किल्स है, हु वाज कॉल्ड सॉर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार किसको कहा जाता है? जिसका करेक्ट आंसर है हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा को। नेक्स्ट टाइम स्किल्स है, द मॉस्क ऑफ दाई अंगा की मस्जिद कहाँ पे वाकिया है? जिसका करेक्ट आंसर है लाहौर में। नेक्स्ट टाइम स्किल्स है, होली कुरान वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय, कुरान पाक का फारसी में तर्जमा किन्होंने किया था? जिसका करेक्ट आंसर है शाह वलीउल्लाह ने। नेक्स्ट टाइम स्किल्स है, गज़वत तबूक वाज फोर्ट अगेंस्ट, गज़वत तबूक जो थी वो किन के खिलाफ लड़ी गई थी? जिसका करेक्ट आंसर है रोमन्स के खिलाफ। नेक्स्ट टाइम स्किल्स है, हु टोर अवे द लेटर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत किन्होंने फाड़ा था? जिसका करेक्ट आंसर है खुसरो परवेज ने। नेक्स्ट टाइम स्किल्स है, खतीबुल अंबिया इज द टाइटल ऑफ, खतीबुल अंबिया इनका लकब है? जिसका करेक्ट आंसर है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का। नेक्स्ट टाइम स्किल्स है, व्हाट वाज द नेम ऑफ हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा मदर, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा की वालदा का क्या नाम था? जिसका करेक्ट आंसर है अरवा। नेक्स्ट टाइम स्किल्स है, व्हाट इज द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम के दूसरे स्तून का क्या नाम है? जिसका करेक्ट आंसर है सलात, यानी के नमाज। नेक्स्ट टाइम स्किल्स है, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज पॉइंट्स बाय अ ज्यूइश हॉटेस्ट एट द टाइम ऑफ द, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त एक यहूदी मेज़बान ने जहर दिया था, तो ये किस मौके पे दिया था? जिसका करेक्ट आंसर है कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर के मौके पे। नेक्स्ट टाइम स्किल्स है, हिपोक्राइट्स ऑफ मदीना बिल्ड कंट्ररी टू मस्जिद नबी, मस्जिद नबी जो है मदीना के मुनाफिकीन ने मस्जिद नबी के बरक्स कौन सी मस्जिद तमीर कराई थी? जिसका करेक्ट आंसर है मस्जिद दरार। नेक्स्ट टाइम स्किल्स है, एट विच ओकेशन सलात बिकम ऑब्लिगेशन, नमाज किस मौके पर फर्ज की गई? जिसका करेक्ट आंसर है मिराज के। नेक्स्ट टाइम स्किल्स है, विच गजवा टुक प्लेस इन सेकेंड हिजरी इन द मंथ ऑफ रमज़ान, हिजरी में जो रमज़ान अल मुबारक में कौन सी गजवा हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है बदर की। नेक्स्ट टाइम स्किल्स है, विच प्रॉफिट इज डिग्निफाइड विद द स्पेशल टाइटल खलीलुल्लाह,
किस पैगंबर का लकब खलीलुल्लाह है, जिसका करेक्ट आंसर है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। नेक्स्ट एमसीक्यू देन, द नंबर ऑफ नरेशन ऑफ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इज़, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रवायात की तादाद कितनी है, जिसका करेक्ट आंसर है 2210। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जमजम, जमजम का क्या मतलब है, जिसका करेक्ट आंसर है टू स्टॉप। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग सूरह इन द होली कुरान नेम आफ्टर इंसेक्ट, कुरान पाक में किस सूरत का नाम कीड़े के नाम पे रखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है सूरह अल नमल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ शिर्क इन इस्लाम, इस्लाम में शिर्क का मुखालिफ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है तौहीद। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, पाकिस्तान आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन विच थ्योरी, नजरिया पाकिस्तान किस नजरिए पर कायम है, जिसका करेक्ट आंसर है टू नेशन थ्योरी पे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हु स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर का निज़ाम किन्होंने शुरू किया था, जिसका करेक्ट आंसर है हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सेकंड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ इज, इस्लामी कानून का दूसरा माखज क्या है, जिसका करेक्ट आंसर है अहदीस है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, बनी इसराइल वाज द नेशन ऑफ, बनी इसराइल किसकी कौम है, जिसका करेक्ट आंसर है हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द बुक रिवील्ड ऑन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे कौन सी किताब नाजिल हुई है, जिसका करेक्ट आंसर है जबूर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द एंजल्स हु कीप डेली अकाउंट ऑफ आवर डीड्स आर कॉल्ड, वो कौन से फरिश्ते हैं जो हमारे डेली बेस को लिखते हैं, जिसका करेक्ट आंसर है करामा कातिबीन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, शब मिराज इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन, शब मिराज का वाकया कब हुआ, जिसका करेक्ट आंसर है 27 रजब को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हजरत उमर मैट्रायड इन विच मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, हजरत उमर की शहादत इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक किस महीने में हुई, जिसका करेक्ट आंसर है मुहर्रम में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द नेम ऑफ फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में पहला तहरीरी आइन क्या था, जिसका करेक्ट आंसर है मैसेज ऑफ मदीना या मिसाक मदीना कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच प्रॉफिट इज नोन एज जुनून, जुनून किस नबी को कहा जाता है, जिसका करेक्ट आंसर है हजरत यूनस अलैहिस्सलाम को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द ईयर ऑफ इमाम अबू हनीफा बर्थ इज, इमाम अबू हनीफा की विलादत का साल कौन सा है, जिसका करेक्ट आंसर है 699 AD। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इमाम मालिक डाइड इन, इमाम मालिक की वफात कब हुई, जिसका करेक्ट आंसर है 179 AD में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सलात कसूफ इज परफॉर्म एट द ओकेजन ऑफ, सलात कसूफ जो है किस मौके पे अदा की जाती है, जिसका करेक्ट आंसर है लूनर इलिप्स पे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हजरे अस्वद इज इंस्टॉल्ड ऑन द वॉल ऑफ खाना काबा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अस्वद, तो यहाँ पे अस्वद का क्या मतलब है, तो उसका करेक्ट आंसर है ब्लैक। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द ओल्डेस्ट रिवील्ड डिवाइन बुक इज, सबसे कदीम नाजिल शुदा जो आसमानी किताब है उसका क्या नाम है, सबसे पहले जो आई है, तो उसका करेक्ट आंसर है तौरात। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच गजवा इज मेंशन इन सूरह अल इमरान, सूरह अल इमरान में कौन सी गजवा का जिक्र है, तो उसका करेक्ट आंसर है गजवा ओहद का। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह हैड मिनिमम एज, अल्लाह के किस नबी की सबसे कम उम्र है, तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ नेम हैज़ बीन मेंशन इन द होली कुरान, कुरान पाक में मोहम्मद का लफ्ज कितनी मरतबा आया है, तो इसका करेक्ट आंसर है 4 times। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लकब क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर है खलीलुल्लाह। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म underwent in the former Fata as was name of, जो ज़र्ब ऑपरेशन हुआ था फाटा में, तो अस्प का क्या मतलब है, तो इसका करेक्ट आंसर है सॉर्ड ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार मुबारक का नाम था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश टेक्स आउट सोल ऑफ लाइफ बीरिंग क्रिएचर्स, कौन सा फरिश्ता इंसानों की जिंदगी कब्ज करता है, जिसका करेक्ट आंसर है हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच सूरह स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह, कौन सी सूरत है जो बिस्मिल्लाह के बगैर स्टार्ट होती है, जिसका करेक्ट आंसर है सूरह अल तौबा।
नेक्स्ट हम स्किल्स है अ मेल इज कन्फाइंड रैप्ड इन डैश ड्रेस शीट। एक मर्द को कितने कपड़ों में लपेट के कफन दिया जाता है, जिसका करेक्ट आंसर है 3 sheets यानी कि 3 कपड़ों में। नेक्स्ट हम स्किल्स है अमाउंट ऑफ ज़कात कैन नॉट बी यूज्ड इन, जो ज़कात की रकम होती है कहाँ पे इस्तेमाल नहीं होती, जिसका करेक्ट आंसर है मॉस यानी कि मस्जिद में। नेक्स्ट हम स्किल्स है जिहाद बिकम मैंडेटरी इन, जिहाद जो है कब लाजिम हुआ, जिसका करेक्ट आंसर है 2 हिजरी को। नेक्स्ट हम स्किल्स है हु वाज़ द फर्स्ट मार्टाय इन इस्लाम, इस्लाम के पहले शहीद का क्या नाम है, जिसका करेक्ट आंसर है हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा। नेक्स्ट हम स्किल्स है हु फर्स्ट इम्प्रेस इस्लाम अमंग वुमेन, औरतों में सबसे पहले किन्होंने इस्लाम कबूल किया, जिसका करेक्ट आंसर है हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने। नेक्स्ट हम स्किल्स है जमील कुरान इज टेकन फॉर, जमील कुरान किन को कहा जाता है, जिसका करेक्ट आंसर है हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा को। नेक्स्ट हम स्किल्स है पॉइस खलीफा लुक लास्टेड फॉर अबाउट, जो खलीफा का दौर है वो कब तक रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है 30 साल तक। नेक्स्ट हम स्किल्स है गैदरिंग ऑन अरफात ड्यूरिंग हज इज मेड ऑन, जो अरफात के मकाम पे जमा होते हैं तमाम हजाज कराम, तो वो कब होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 9th Zilhijj को। नेक्स्ट हम स्किल्स है हाउ मेनी स्टेजेस द कुरान कंटेन, कुरान पाक में कितने मराहल हैं, जिसका करेक्ट आंसर है 7। नेक्स्ट हम स्किल्स है हु वाज़ द फर्स्ट राइटर ऑफ वही इन कुरैश, कुरैश में पहले किन्होंने वही को लिखा था, जिसका करेक्ट आंसर है हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने। नेक्स्ट हम स्किल्स है किताबुल असर इज कंपाइल्ड बाय, किताबुल असर जो है ये किन्होंने मरतब की है, जिसका करेक्ट आंसर है इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु ने। नेक्स्ट है व्हाट वाज़ द नेम ऑफ फास्टेस्ट सिस्टर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रोज़ेदार बहन का क्या नाम है, इसका करेक्ट आंसर है हजरत सीमा रज़ी अल्लाह अन्हा। नेक्स्ट हम स्किल्स है निज़ाम नमाज इस्तिका इज अ प्रेयर फॉर, नमाज इस्तिका जो है ये किस लिए पढ़ी जाती है, जिसका करेक्ट आंसर है बारिश के लिए। नेक्स्ट हम स्किल्स है हु इज कॉल्ड साकी जमजम, साकी जमजम किसे कहा जाता है, जिसका करेक्ट आंसर है हजरत। नेक्स्ट हम स्किल्स है द किसिंग ऑफ द हजरे अस्वद इस कार्ड, जो हजरत अस्वद का बोसा लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर है इस्तिलाम। नेक्स्ट हम क्यूज है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रमज़ान इन द इस्लामिक कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर में रमज़ान का मंथ कौन से नंबर पे आता है, तो उसका करेक्ट आंसर है 9th पे। नेक्स्ट हम क्यूज है हु एडवाइस अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु टू कंपाइल द कुरान, अब हजरत अबू बकर सदीक को किन्होंने मशवरा दिया था कुरान पाक को मरतब करने का, जिसका करेक्ट आंसर है हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने। नेक्स्ट क्यों है द निसाब ऑफ ज़कात इन सिल्वर इज, चांदी पे ज़कात का निसाब क्या है, जिसका करेक्ट आंसर है 52.5 तोलाज। नेक्स्ट क्यों है द प्रॉफिट मेड हजरत मौज बिन जबल द गवर्नर ऑफ, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौज बिन जबल को गवर्नर बनाया था, तो किस एरिया का बनाया था, जिसका करेक्ट आंसर है यमन का। नेक्स्ट क्यों है हज इज नॉट कम्प्लीटेड अनलेस यू गो टू, हज उस वक्त तक कम्प्लीट नहीं होता जब तक आप लोग कहाँ पे ना जाएं, तो उसका करेक्ट आंसर है अरफात में। नेक्स्ट हम क्यूज है किताबुल उम इज रिटन बाय, किताबुल उम किन्होंने लिखी है, जिसका करेक्ट आंसर है इमाम शाफी ने। नेक्स्ट हम क्यूज है इन विच सूरह ऑफ कुरान देयर इज मेंशन ऑफ ज़ुल्कर्नैन, कुरान पाक में कहाँ पे ज़ुल्कर्नैन का जिक्र आया है, तो उसका करेक्ट आंसर है सूरह अल कैफ में। नेक्स्ट हम क्यूज है मुस्लिम्स आर द बेस्ट ऑफ ऑल ड्यू टू, मुस्लिम जो है मुसलमान सबसे अफजल है किस वजह से, तो उसका करेक्ट आंसर है मॉडरेशन की वजह से। नेक्स्ट क्यूज है साइबर सहर इज अ निकनेम ऑफ, साइबर सहर का उर्फी नाम किन का है, तो उसका करेक्ट आंसर है हजरत खुसैफा रज़ी अल्लाह अन्हु का। नेक्स्ट क्यूज है मस्जिद कैफ इज लोकेटेड इन, मस्जिद कैफ कहाँ पर वाकिया है, तो उसका करेक्ट आंसर है मीना में। नेक्स्ट क्यूज है हु वॉज अपॉइंटेड एज अ अशर फॉर हज हिजरत मदीना, हिजरत मदीना का इशर किसको मुकरर किया गया था, जिसका करेक्ट आंसर है हजरत अब्दुल्ला बिन अरिकात रज़ी अल्लाह अन्हा को। नेक्स्ट क्यूज है हु वाज़ द लास्ट कमांडर इन चीफ फॉर ग़ज़वा मुता, ग़ज़वा मुता के पे आखिरी कमांडर इन चीफ कौन थे, जिसका करेक्ट आंसर है हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा थे। नेक्स्ट क्यूज है और लास्ट क्यूज है द वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज द नेम हैज़ बीन मेंशन इन कुरान ओनली, कुरान पाक में कितनी मरतबा मोहम्मद का लफ्ज़ रिपीट हुआ है,
तो इसका करेक्ट आंसर है 4 मरतबा। आई होप आप लोग वीडियो पसंद आए, एक वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को